दोस्तों, मैं राजीव फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। 12 मई को मदर्स डे यानी मातृ दिवस है। मैं मानता हूँ कि अगर हमारे ज़िंदगी में माँ न हो तो हम कोई भी दिन देख नहीं सकते, तो हर दिन माँ का ही दिन होता है। लेकिन फिर भी हम सिर्फ एक दिन सेलिब्रेट करते हैं। मैं आज जो कुछ भी हूँ वो अपनी माँ की वजह से ही हूँ। रांची जैसे छोटे शहर में जब वो हमें बचपन में पढ़ाती थी और बोलती थी कि बेटा ज्ञान ही तुम्हें बहुत जगह ले जाएगा, और आज मैं बिल्कुल जब दुनिया के दूसरे कोने में हूँ और मैं अपनी माँ को याद कर रहा हूँ, उनकी ये बात बहुत याद आ रही है। आज वो सारे बच्चे जो अपनी माँ को याद कर रहे हैं और जो आज उनसे दूर हैं, उन सब के भावनाओं को मुद्दे नज़र रखते हुए मैंने एक कविता लिखी है जो आपके सामने मैं आज मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। अगर आप अपने राय और अपनी कमेंट्स मुझे दें तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। सो ये मेरी माँ, आपकी माँ, हम सब की माँ के लिए है। हम आते हैं धरती पर बनके एक निरीह प्राणी, हम आते हैं धरती पर बनके एक निरीह प्राणी, उस निरीह प्राणी को इंसान बना सकती है तो सिर्फ एक जननी। माँ के आशीर्वाद से ही शुरू होती है हमारी कहानी, माँ के ही आशीर्वाद से ही शुरू होती है हमारी कहानी, फिर उस प्यार को हम क्यों भूल जाते हैं आती जब है जवानी, फिर उस प्यार को हम क्यों भूल जाते हैं जब आती है जब जवानी। आओ इस मातृ दिवस पर याद करो माता की कुर्बानी, आओ इस मातृ दिवस पर याद करो माता की कुर्बानी, अपनी खुश नसीबी पे नाज करो अगर माँ ने जबरदस्ती पकड़ाया हो ग्लास में पानी, अपनी खुश नसीबी पर नाज करो अगर माँ ने कभी जबरदस्ती पकड़ाया हो ग्लास में पानी। हम भले ही भूल जाएं पर माँ को तो है प्यार निभानी, अगर माँ का प्यार अमृत है तो उसकी बोली है सिर्फ अमृतवाणी। हम आते हैं धरती पे बनके एक निरीह प्राणी, उस निरीह प्राणी को इंसान बना सकती है तो सिर्फ एक जननी। दोस्तों, अपनी माँ की बदौलत ही आज हम जो कुछ भी हैं। फिर भी कभी कभी ऐसा होता है जब अपने काम में हम मशगूल होते हैं, अपने परिवार में मशगूल होते हैं, हमें मौका नहीं मिलता अपनी माँ से बात करने का। माँ से बात करने की जो ख्वाहिश है बहुत बार दिल में ही रह जाती है। और कुछ ऐसे भी नसीब हैं जिन्हें माँ का प्यार नहीं मिला। मैं मानता हूँ कि जो भी खुश नसीब हैं जिन्हें माँ का प्यार मिला और जो जिन्हें न भी मिला, अगर वह आज धरती पे हैं तो कोई ना कोई व्यक्ति ने उन्हें माँ का प्यार जरूर दिया होगा, अगर वो अपनी माँ न भी हों तो। जिन्होंने भी आपको वो प्यार दिया जिसकी वजह से आज आप बड़े हुए, वो आपकी माँ के बराबर ही है। तो आज हम प्रण करते हैं इस मातृ दिवस के अवसर पर कि जिस माँ ने बचपन में हमारे आंसू पोछे, आज हम ऐसा होने ना देंगे कि उस माँ की आंखों में हो कभी आंसू। जो कुछ भी हम कमाएं, अगर हम माँ के अपने आंसू ना पोछ पाए तो वो सब बर्बाद है, उसका कोई वजूद नहीं है। तो आइए प्रण करें कि सिर्फ मातृ दिवस पे नहीं पर हर दिवस पर माँ की कुर्बानी को हम मनाएं और माँ की इज्जत करें। और माँ को क्या चाहिए? माँ को सिर्फ प्यार भरे चार शब्द चाहिए, और वो तो हमें देना हमारा फ़र्ज बनता है। तो दोस्तों, आइए सेलिब्रेट करें माँ की कुर्बानी की कहानी इस मातृ दिवस पर। नमस्कार।